जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची है जावेद आलम ओढ़ो, जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजिर से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और वहां जो है वो मीटिंग के बाद खिताब करते हुए जब ताजिरों ने रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के हवाले से एडिशनल आईजी कराची से सवाल किया, तो एडिशनल आईजी कराची जो है शहर में बढ़ती वारदातों और स्ट्रीट क्राइम पर जो है वो ताजिरों पर बरस पड़े। उनका यही कहना था कि जो है वो सितंबर का महीना सिर्फ ऐसा है जिसमें वारदातें बढ़ी हैं और 12 अपराध की हालात रिपोर्ट हुई है और कराची के ताजिर जो है वो गलत तासुर देते हैं या कराची के ताजिर जो है वो ज्यादा बाविला करते हैं। कराची से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम जो है वो लाहौर में हो रहा है और कराची में मजीद जो है वो पुलिस अपनी जानिब से कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम सूरत हाल को ये देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं जहां पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शहरियों को क्रिमिनल जो है वो जख्मी कर रहे हैं और मुख्तलिफ वाकयात ऐसे भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं जहां पर शहरी जो है वो तसादुम कर रहे हैं या अपने बचाव के लिए जो है वो डकैतों से लड़ रहे हैं। तो जावेद आलम ओढ़ो जो है एडिशनल आईजी कराची, वो कराची के ताजिरों पर बरस पड़े हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि सूरत हाल जो है वो कराची पुलिस के बस से बाहर है, लेकिन वो इल्जाम जो है वो ताजिरों को दे रहे हैं कि कराची के ताजिर जो है ज्यादा वाबिला कर रहे हैं सूरत हाल को। ठीक है वलीद, आपने तफसील तौर पर आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका।